हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट श्वेता भारद्वाज। मैं इस चैनल पे कुकिंग और लाइफस्टाइल और फैशन की वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो मेरा नाम है एडवोकेट श्वेता भारद्वाज। मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर, और आई लव मेकिंग कॉन्टेंट। तो आज मैं आप लोगों को अपना नाइट टू मॉर्निंग तक का रूटीन शेयर करूँगी। अभी मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ और डिनर में आज मैं बना रही हूँ एग करी विथ चपाती। और देखते हैं साथ साथ आपको भी दिखाते हैं रेसिपी। वैसे रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इफ़ यू वांट टू सी द रेसिपी यू कैन। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द एग करी। अभी फ्रेंड्स जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली एग मैंने अपने फ्राई कर लिए हैं, बस अब इसमें फटाफट से जो है हम तड़के की तैयारी करेंगे। ये मैंने हैंड चॉपर में अनियंस चॉप करके रख दिए थे, बस ये चॉप किए हुए अनियन हम इसमें डालेंगे। और मैंने साइड बाय साइड इसमें गार्लिक भी जो है वो क्रश कर लिया था, तो वो गार्लिक भी हम साथ के साथ ही ऐड कर देंगे। एग करी में फ्रेंड्स गार्लिक से बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे प्रॉपर और स्टर करते रहेंगे साथ साथ ताकि ये लगे नहीं। और साइड बाय साइड जो है हम अपने टमाटर और हरी मिर्ची को, फ्रेंड्स ये मैंने टू टमाटोज ले लिए हैं, बिग साइज में है, और साथ इसके 6 हरी मिर्ची ले ली है, और इनको हम अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स जो अनियंस है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, और अभी स्टेज पे अनियन रोस्ट होते के साथ ही हम अपने चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करते हैं। और टमाटर ऐड करते के साथ हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि जो टमाटोज है हमारे वो अच्छे से भुन जाए, थोड़ा सा मशी हो जाए। अब जो मैं अपने स्पाइसेस बॉक्स में से स्पाइसेस ऐड करूँगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक और 1 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ किचन टिन पाउडर। लेट्स मिक्स इट टुगेदर नाइसली एंड जेंटली। एंड जस्ट वेट ताकि तब तक ये जो जितने भी मसालाज हैं हमारे, लेट मी शो यू ऑल, जितने भी हमारे मसालाज हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता फ्रेंड्स तब तक हमें इसे अच्छे से जो है वो प्रॉपरली कुक कर लेंगे। अब मैं जो फ्लेम है वो लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। अभी फ्रेंड्स जो है वो प्रॉपरली मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसमें मैं लास्ट स्टेज पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूंगी, दैट्स इट। और उसके बाद हम इसको अच्छे से अपनी करी को पकाएंगे। अपने डिजायर
अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग जो पानी है वो डालना है, ताकि कितना किस हिसाब से जो है वो प्रॉपरली कुक हो जाए। कितना आपको तरी चाहिए, मैं इसके साथ चपाती सर्व करने वाली हूँ, तो आई विल बी मेक अ लेस करी। और अगर आपको इसको राइस के साथ खाना है तो आप अपना करी जो है वो ऐड, बेसिकली जो पानी है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब स्टेज पे अच्छे से मैं सब एग्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि जितना भी मसाला है हमारी एग करी का वो हमारे एग्स के अंदर भी अच्छे से मिल जाए। अब जस्ट अब इसको लिड लगा के मैं 5-7 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने दूंगी, और एंड में हम इसको गार्निश करेंगे कोरिएंडर से। और अब स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मैं अपने चैनल पे ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो आज अब हम इसके बाद मैं आपको वही शेयर करते हैं आज। चलिए ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, मैं ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ माई मेकअप एरिया, सब कुछ मैस है, सब कुछ कुछ भी चीज़ें तरीके से नहीं है, तो इसको आज अब हम फटाक से अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने एक ऑर्गेनाइज़र भी मंगा रखा है अमेजोन से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसका भी साथ साथ रिव्यू हो जाएगा और हम इसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड ये मैंने ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था, इसकी भी अनबॉक्सिंग मैं अब आप लोगों के साथ ही शूट कर रही हूँ। मैंने काफ़ी दिन से मंगा के रखा हुआ है, मैंने इसको ओपन नहीं किया, अभी आपके साथ ही ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बाकी अमेजोन पे इसके रिव्यूज़ 4.5 थे, तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। अभी बाकी आगे देखते हैं कि ये कितना खरा उतरता है। चलिए मैं इसको एक बार अच्छे से ओपन कर लेती हूँ। अथा इधर आओ, हाय करना कैमरा में, इधर तो आओ, एक बार ही हाय तो कर दो, इधर बोलो हाय, यहाँ पे बोलो, इधर आओ, यहाँ पे बोलो, इधर इधर हाय कर दो, ऐसे कर दो हाय। अभी फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से, ये डीअसेंबल होकर आया है, इसको हमें असेंबल करना पड़ेगा। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बबल रैप हो रखा है। अब मैं आपको इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और सॉरी इसको असेंबल करके फिर वापस से। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है ये इस तरीके से कुछ रबर टाइप आया है, ये साइड ये ट्रेज आई हैं, वन टू थ्री फोर ये ट्रेज हैं फ्रेंड्स, और इस तरीके से दो इस तरीके की ट्रेज हैं। एक्रेलिक में है फ्रेंड्स और ट्रांसपेरेंट है, तो वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये लेजी सूजन काइंड ऑफ इसका जो बेस है वो है, लाइक आप ऐसे रोटेट करके भी चीज़ों को देख, इट्स लाइक सो मच फन। चलिए अभी मेरे को भी नहीं पता इसको असेंबल कैसे करना है, देखते हैं। और इस तरीके से दो ये आए हैं, आई थिंक इनको ऐसे करके लगाना है। अदर प्लीज डोंट मेक नॉइज़, या आई थिंक आई एम करेक्ट, इट शुड बी लाइक फ्रेंड्स। देखिए अच्छे से यह असेंबल हो गया है। अब मैं अपने अपने अकॉर्डिंग बेसिकली इसके अंदर सामान जो है वो पुट करूँगी, प्रॉपर सेक्शंस बने हुए हैं लिपस्टिक वगैरह हर एक चीज़ ऐड करने के लिए। तो फटाफट से इसको असेंबल अभी हो गया है और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सारा सामान बाहर निकालेंगे और एक एक करके इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आदिया, आदिया।
फ्रेंड्स ही सारा पिटारा निकाल लिया है, अब देखते हैं सब निकाल तो दिया है बाहर, बड़ा मुश्किल हो रहा है संभालना। अब फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर पूरा ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा टूर दूंगी कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ रखी। चलिए अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या है, मैंने इस तरीके से जो ये ऑर्गेनाइज़र है इसमें अपने प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। लेट मी शो यू ऑल, दिस इज़ द फेस पैलेट, सारा स्किन केयर का है, लाइक बेसिकली मेरा मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ठीक है। इसके अंदर ये मेरा ऑयल है अनोमली का, ये ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा जो है परफ्यूम है, ये स्किन वाइप्स है, ये नेल पेंट एरिया है, ये कुछ मैंने जो है अपनी लिपस्टिक्स रखी हैं, ये एक मेरा परफ्यूम है मैंने मिनीसो से लिया था, ये कुछ मैंने मेरे सन स्टॉकर्स हैं लाइक जो भी है सनस्क्रीन वगैरह, ये हेयर का वी ब्लंट, ये फेस ऑयल और फेस सीरम जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे ऊपर मैंने लिपस्टिक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लिए अच्छे से, और इधर मेरी कुछ नेल पेंट, सिलेक्टेड नेल पेंट्स जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। इधर मैंने अपना ये लॉरियल का रिवाइटर ये ऐड कर दिया, और पीछे एक छोटी सी मेरी 9 to 5 फाउंडेशन है जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये कॉटन पैड्स हैं, ये मेरी कुछ एक्स्ट्रा नेल पेंट्स और रिमूवर है। पीछे से फ्रेंड्स नॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने अपना नेल पेंट्स रखे हैं, ठीक है, और ये मेरे परफ्यूम्स हैं, ये मेरा जो स्प्रे वाला सनस्क्रीन रहता है वो है, बाकी सब मेरे परफ्यूम्स हैं, ये प्लम का हवाइन रूम्बा और ये सब। पीछे आई थिंक लेयर का है, लेयर वाटर गर्ल, ये सब है। इधर मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपनी लिपस्टिक्स रखी हैं जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये फेस पैलेट्स हैं और ये डेली बेसिस पर मॉइस्चराइज़र, ड्राई शैम्पू और पाउडर है। दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र, अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी चलते हैं किचन में और किचन में चल के फटाफट से बाकी का प्रिपेयर करते हैं खाना। फ्रेंड्स अभी आप फटाफट से आटा गूंथ के और रोटी सेक के और बच्चे खाना खाएंगे और हम खाएंगे और उसके बाद कल की तैयारी करेंगे, कल मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल रात का ही व्लॉग है जो कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कोर्ट, मेरा कोर्ट में हेयरिंग है, तो चलते हैं कोर्ट, आपको दिखाएंगे अगेन दोबारा से और हेयरिंग देखेंगे। हेयरिंग के बाद फिर मिलते हैं वापस से ऑफिस में। फ्रेंड्स ये मेरा ऑफिस है और मैं ऑफिस जो है वो पहुँच चुकी हूँ। दिस इज़ द माय ऑफिस एड्रेस, भारद्वाज एंड एसोसिएट्स। तो फ्रेंड्स मैं ऑफिस आ गई थी, दिस इज़ माय ऑफिस, और अभी जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन चल रही है किसी एक केसेस की, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू।